हेलो फ्रेंड्स, अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब। सो वेलकम बैक टू माय चैनल माहा की दुनिया। तो आज हम बनाएंगे एक ऐसी सब्ज़ी जिसका नाम सुन के ही लोगों का मूड ख़राब हो जाता है, क्योंकि वो तो ना बच्चों को अच्छी लगती है और ना ही बड़ों को। लेकिन अगर आप इस तरह से बनाएंगे तो डेफ़िनेटली बच्चों को भी पसंद आएगी और बड़ों को भी। अगर आप किसी को नहीं बताएंगे ना कि ये किस चीज़ की सब्ज़ी है, तो 100% गारंटी के साथ वो पहचान नहीं पाएंगे, बस आपसे एक ही चीज़ कहेंगे, वाओ थोड़ी और दे दीजिए। तो चलिए देखते हैं इसे कैसे बनाते हैं और ये किस चीज़ से बनती है। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो ये देखिए, आज हम बनाएंगे लौकी की सब्ज़ी। यस, लौकी। तो लौकी हमें कैसी लेनी है, हमें मीडियम साइज़ की लौकी लेनी है। ना तो बहुत मोटी होनी चाहिए, ना तो बहुत पतली होनी चाहिए, और मेन चीज़ वो ताज़ी होनी चाहिए। अगर आप सूखी लौकी का यूज़ करते हैं तो ये सब्ज़ी बिल्कुल भी नहीं अच्छी बनेगी। तो यहाँ पर मैंने इसे छील लिया है। फिर हमें इसे हाफ इंच की मोटाई के बराबर कट करना है, यानी कि हमें इसके हाफ इंच की स्लाइसेस में कट करना है। तो ये देखिए, मैं आपको दिखाती हूँ इसे कैसे कट करना है। ये देखिए, इसे इतना मोटा मोटा कट करना है। अगर आप इसे बहुत पतला करेंगे तो ये फूट जाएंगे, जब हम इसकी ग्रेवी बनाएंगे तो ये फूटने लग जाएगी, तो वो बिल्कुल भी नहीं अच्छी लगेगी। तो इसे हमें ऐसे मोटा मोटा ही रखना है। ये देखिए, यहाँ पर मैंने सारी लौकी को कट कर लिया है स्लाइसेस में। तो मैं आपको इसकी थिकनेस दिखा देती हूँ। ये देखिए, अब इसे हमें वॉश कर लेना है। तो याद रखिए, आपको ये प्रोसेस जल्दी करना है, क्योंकि अगर हम ज़्यादा देर लौकी को ऐसे ही रखेंगे तो वो काली पड़ने लगती है। तो यहाँ पे मैंने इसे वॉश कर लिया है। अब इसमें हम आधा नींबू का रस निचोड़ देंगे। नींबू का रस निचोड़ने का पर्पज़ ये है कि ये लौकी काली नहीं पड़ेगी। अब लौकी को हमें मैरिनेट करना है। तो यहाँ पर मैंने हाफ़ टेबल स्पून नमक ऐड कर दिया है, हाफ़ टेबल स्पून लाल मिर्च का पाउडर ऐड कर दिया है, और थोड़ी सी मैंने हल्दी डाल दी है। फिर इसमें जाएगा 1 टेबल स्पून बेसन। आप चाहें तो यहाँ पे दही का भी यूज़ कर सकते हैं, लेकिन हमने यहाँ पे नींबू यूज़ किया था तो हम दही का यूज़ नहीं करेंगे। तो अब इसे हमें अच्छे से मिक्स कर लेना है। सारे मसालों को अच्छे से लौकी पे कोट कर देना है। तो ये देखिए, यहाँ पर मैंने मसालों को अच्छे से लौकी पर मिला दिया है। अब इसे हमें छोड़ना है आधे घंटे के लिए। तो आधा घंटा हो गया है, अब यहाँ पे हमें इसे फ्राई करना है। फ्राई करने के लिए हमने एक तवा ले लिया है, उसमें हमें 2 टेबल स्पून ऑयल ऐड कर देना है। यहाँ पे मैंने सरसों का ऑयल यूज़ किया है, आप चाहे तो कोई भी ऑयल यूज़ कर सकते हैं। फिर इसे हमें ऐसे बेसन में लपेट के इसमें ऑयल में डाल देना है सारे पीसेस को। ये देखिए, मैंने यहाँ पर सारे पीसेस को ऐसे बेसन में कोट करके इसमें तेल में डाल दिया है। तो अब हमें इसे बहुत सावधानी से पलट लेना है। तो इसे एक एक करके हमें अच्छे से पलटना है। ये देखिए, इसे हमें दोनों साइड से अच्छे से क्रिस्पी होने तक फ्राई करना है। तो यहाँ पे मैंने इसे दोनों साइड से अच्छे से फ्राई कर लिया है। तो ये देखिए, यहाँ पे ये रेडी है। अब इसे हम निकाल लेते हैं एक प्लेट में, और जो बचे हुए हमारे लौकी के स्लाइसेस हैं उसे भी हम ऐसे फ्राई कर लेंगे। ये देखिए, यहाँ पर मैंने ये भी सारे पीसेस को ऐसे डाल दिया है, इसे भी हम फ्राई कर लेंगे। तो ये देखिए, ये भी सारे फ्राई हो गए हैं, इसे भी हम निकाल लेते हैं। तो अब हम चलते हैं इसकी ग्रेवी बनाने के लिए। तो यहाँ पे मैंने कढ़ाई ले ली है, कढ़ाई में 2 टेबल स्पून ऑयल डाल दिया है। अब इसमें थोड़ा सा हमने ज़ीरा डाल दिया है। अब यहाँ पे मैंने 2 मीडियम साइज़ की प्याज को ऐसे कट कर लिया है, इसे भी हम ऐसे ऑयल में डाल देंगे। तो यहाँ पर मैं इसे फ्राई कर लेती हूँ। प्याज को हमें गोल्डन ब्राउन नहीं करना है, सिर्फ हमें इसे ट्रांसपेरेंट होने तक ही फ्राई करना है। तो यहाँ पे मैं इसे 2 मिनट के लिए फ्राई कर लूँगी। ये देखिए, यहाँ पे 2 मिनट हो गए हैं। अब इसमें मैं चॉप किया हुआ ये टमाटर यूज़ कर दूँगी। यहाँ पे मैंने 2 टमाटर लिए हैं मीडियम साइज़ के, तो इसे भी मैं अच्छे से मिक्स कर दूँगी। अब यहाँ पे हम 1 टेबल स्पून जिंजर गार्लिक का पेस्ट ऐड कर देंगे, और इसे भी हम अच्छे से मिक्स कर देंगे। तो ये देखिए, यहाँ पे मैंने इसे भी अच्छे से मिक्स कर दिया है। अब यहाँ पे हम कुछ खड़े मसाले ले लेंगे। यहाँ पे मैंने 3 लाल मिर्च ले लिए साबुत, और 5 काली मिर्च, 1 दालचीनी का टुकड़ा, 1 बड़ी इलायची, 1 जावित्री का टुकड़ा, 2 लौंग और 2 छोटी इलायची। तो इसे भी हम अपने ग्रेवी में डाल देंगे। तो ये देखिए, यहाँ पर मैंने इसे सारे मसाले डाल दिए हैं। अब इसे हम मिक्स कर देते हैं। तो ये देखिए, यहाँ पर सारे मसाले मैंने मिक्स कर दिए हैं। अब यहाँ पे हमें कुछ पाउडर मसाले भी डालने हैं। तो यहाँ पे मैंने नमक ले लिया है, आप टेस्ट के अकॉर्डिंग नमक ले सकते हैं। फिर 1 टेबल स्पून रेड चिली पाउडर,
1 टेबल स्पून टर्मरिक पाउडर एंड 1 टेबल स्पून मैंने यहाँ पे चिकन मसाला ले लिया है और 1 टेबल स्पून गरम मसाला। फिर इन सारे मसालों को हमें मिक्स कर देना है। तो ये देखिए यहाँ पे मैं इसे भी साथ मिक्स कर देती हूँ। अब यहाँ पे हम थोड़ा सा पानी डाल देंगे, फिर इसे अच्छे से मिला लेंगे। तो ये देखिए यहाँ पे मैं इसे अच्छे से मिक्स कर देती हूँ। अब इन मसालों को हमें कुक करना है, तो मैं इसे कवर करके 5 मिनट के लिए छोड़ दूँगी, जिससे ये जो हमारे टमाटर हैं, प्याज है, वो सॉफ्ट हो जाए। अब 5 मिनट के बाद हम देखते हैं। तो ये देखिए यहाँ पे इसने ऑयल रिलीज़ कर दिया है सारे मसालों ने। तो अब इसे हम ऐसे भून लेंगे। तो यहाँ पे मैंने सारे मसालों को अच्छे से भून लिया है। अब हमें इसकी ग्रेवी बनानी है। तो ग्रेवी बनाने के लिए मैंने यहाँ पे 1/2 कप पानी यूज़ किया है। ये देखिए यहाँ पे ये अच्छे से गूज आउट हो रही है। अब इस स्टेज पे हमें जो हमने लौकी के स्लाइसेस फ्राई किए थे वो ऐड कर देंगे। आप चाहें तो इसे कुकर में भी बना सकते हैं। यहाँ पे जो हमने लौकी फ्राई की थी वो 50% कुक हुई थी। अब 50% हमें इसे ऐसे ग्रेवी में कुक करना है। तो यहाँ पे जब एक उबाल आ जाएगा फिर इसे हम ऐसे थोड़े सा चला देंगे ताकि जो सारी लौकी है वो ग्रेवी में डिप हो जाए। तो ये देखिए सारी लौकी अच्छे से डिप हो गई है। अब इसे हमें कवर करके 10 मिनट के लिए ऐसे छोड़ देना है कुक होने के लिए, ताकि जो हमारी 50% जो लौकी हमारी सॉफ्ट नहीं हुई थी वो भी हो जाए। तो ये देखिए यहाँ पे ये 10 मिनट हो गए हैं। अब ये लौकी बहुत अच्छे से कुक हो गई है और सॉफ्ट भी हो गई है। तो अब यहाँ पे मैं गैस को ऑफ़ कर दूँगी। अब चलते हैं इसे सर्व करने के प्रोसेस में। तो इन सारे स्लाइसेस को हमें ऐसे प्लेट में निकाल लेना है। तो ये देखिए बहुत सावधानी से आप निकालिए, जिससे जो ये लौकी के पीसेस हैं वो टूटे नहीं। तो ये सारे पीसेस को मैं ऐसे निकाल लूँगी। अब इसे हम थोड़ा गार्निश कर लेते हैं। तो यहाँ पे मैंने 3 लाल मिर्च ऐसे लगा दी हैं। फिर इसमें हम थोड़ा सा धनिया पत्ता डाल देंगे इसे खूबसूरत बनाने के लिए। तो ये देखिए यहाँ पर मैंने धनिया पत्ता भी डाल दिया है। तो ये देखिए रेडी है आपकी ये लौकी की सब्ज़ी। बट इसमें एक प्रॉब्लम है, मुझे इसका नाम नहीं समझ में आ रहा है। तो क्या आप मेरी हेल्प करेंगे, मुझे बताएंगे कि इस लौकी की सब्ज़ी को क्या नाम दें? तो आज की रेसिपी आपको कैसी लगी ज़रूर बताइएगा कमेंट करके। इफ़ यू लाइक दिस वीडियो सो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़, थैंक्स फॉर वॉचिंग।